सरगुजा जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी भाजपा नेत्री और छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ओड़गी पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में मौजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि आपके क्षेत्र के विधायक और मंत्री सीधी सादी है और भोली भाली है, उसे समझा कर हम अपना काम चला लेंगे। यदि हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो हम फिर आप लोग सोच लीजिए। मेरे आने के बाद जो समस्या सुनने को मिल रहा था, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी है, यहाँ पे जनपद सीओ है, महिला बाल विकास के अधिकारी है, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे कार्यकर्ता छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप तक पहुंचे तो उनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या है उनका समाधान त्वरित होना चाहिए। अभी एक पुलिस महिला के द्वारा एक भाई का हाथ तोड़ दिया गया मार। आप सब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए। मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप समझ जाइएगा। एक भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध, आप सब समझते हैं कि इस बार हमारी विधायक भोली भाली है, हमारी मंत्री सीधी सादी है, इनको तो ऐसे ही करके हम काम निकाल लेंगे, लेकिन गलत फहमी में है आप सब। अगर हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचे तो उनका समाधान त्वरित होना चाहिए, समस्या का समाधान। बस आप सभी से यही निवेदन है, आप सभी कार्यकर्ता अगर यहाँ पे इतने अच्छे तरीके स्वागत किए आप सभी, आज छोटी सी कार्यकर्ता को भटगांव विधानसभा को टिकट देके और आज हमारे सीएम साहब अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट का दर्जा दिए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।